বারণ করলাম, ডার্ক উঠবি না, ডার্ক ড্যামেজ খেয়েছে। तो गाइस कैसे हो आप सब यार, मैं हूं आरएस भाई और एक नया वीडियो लेके। तो गाइस आज का गेम प्ले पोचिंग की का, और भाई एक बहुत ही प्यारा सा 1v3 है, उसे देखना मत भूलना गाइस, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। तो गाइस पोचिंग की के ऊपर उतरने के बाद ही मिलेगा स्कॉर्पियन और यूएमपी के साथ साथ नीचे जाते और फ्रॉस्ट भाई के सामने से गन उठा लेते हैं, उनको निहत्ता छोड़ देते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि गन दे दूँ, ये क्या दो नंबर भी निहत्ता। अरे भाई निहत्ते क्यों घूम रहे हो भाई, मेरे को उतरते दो दो गन मिल जाते हैं। यार मेरे दोस्त लोग पूछते भी है, क्या यार उतरते तुझे कैसे गन मिल जाता है, हैक फैक लगा के बैठा है क्या? तो गाइस देख लो हैक है कि नहीं, मेरे स्क्रीन के ऊपर जो चल रहा है वही है मेरे 5 फिंगर का सेटिंग। और मैं इधर TPP लेता हूँ, उधर बंदा है मार्क कर देता हूँ, और ADS खोल के हार्ड स्कोप करके बैठा मैं। वाह ब्रो कितना प्रो बनूंगा, हार्ड स्कोप लेके कैंपिंग करते हो और मैं डैमेज नहीं दे पाया, पर नॉक जरूर कर दूंगा। अटक रहा था मैं, बट कोई ना, नॉक कर दिया पूरा, खाएंगे छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या पता रिवाइव हो जाए और मार दे उल्टा। भाई ये कौन आता है भाई, पता नहीं चलता, फिर भी नॉक कर देते। थोड़ा हिलता है मेरा एम इधर उधर, क्योंकि क्या पता भाई बहुत दिन बाद खेल रहे ना भाई, कोई प्रैक्टिस वैक्टिस तो करते नहीं है भाई, घर में लेटे थे सोए थे बैन तक जो करे थे पता नहीं। अभी पूरा गेम में फोकस देना, और वीडियो तो मैं लगातार छोड़ना चाहूँगा, कोशिश तो 100% है मेरा। इसे भाई मेरा किल कन्फर्म हो गया दो, और इधर मेरे को मार्क करना है, मेरे टीममेट को गाइड करना है कि इधर इधर बंदे हैं, देख के थोड़ा नॉक फॉक मत हो जाना, नहीं तो क्रेट बना देंगे, क्योंकि हम लोग भी उनका क्रेट ही बना रहे डायरेक्ट, ठीक है ना भाई। तो इधर थोड़ा TP भी लेता हूँ मैं देखने की कोशिश, और इधर से नॉक आ जाता है वैलक भाई का, उधर अलग ही गेम प्ले चलता है। वैलक भाई अलग ही खेलने आए, सोलो वर्सेस स्क्वाड, हम लोग ट्रायल वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं। और इधर बंदा मैं मार्क करते करते चलता हूँ कि इधर बंदा है, देख के देख के, और सामने बंदा दिखता है, डैमेज देता हूँ थोड़ा, बट भाई वॉल को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा मैं, दो दो बार ट्राई किया, बट कोई ना वो मेरा गलती है। इधर हॉलो उठाते हैं रास्ते में चलते चलते, और इधर TPP लेंगे, TPP का गेम है, कैंपर है हम लोग, ऐसा कैंपिंग करते हैं। इधर टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हुए, और छत पे स्पाइडरमैन बन चुके हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं है, स्पाइडरमैन बन चुके हैं, कुछ भी नहीं। अभी ये डार्क भाई का कौन है भाई, डार्क भाई है, ये नीचे से जाते हैं, मैं बोलता हूँ कि नीचे से जा, मैं ऊपर से घुस जाऊँगा, ये सोचेगा कि कहाँ से घुस जाए। और इतने में हमारे वैलक भाई जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे, वो हो जाता है नॉक एंड फिनिश, और इधर मैं भी कर देता हूँ एक जन को फिनिश डायरेक्ट, नॉक नहीं होता बट फिनिश हो जाता है। तो इतने में 3 किल उड़ जाते हैं, और मैं थोड़ा हवा में पंच मार के शो ऑफ करने की कोशिश करता हूँ, बट लास्ट में मेरा औकात दिखा देगा। एक प्लेयर क्या यार, 3 प्लेयर मिल के मारेंगे मुझे, पर अभी नहीं बताऊंगा, मैं बता ही दिया हूँ एक्चुअली, ऐसा नूब हूँ, अभी नहीं बताऊंगा, पूरा स्टोरी बताने के बाद फिर बोल रहा हूँ कि बताऊंगा क्या कर सकते। अभी चलते हैं वैलक भाई को जिसने मारा है उसे देखने के लिए नहीं, एक्चुअली हालचाल नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट मारेंगे, नहीं तो मर जाएंगे, दोनों में से एक चीज़ होगा। तो इधर डार्क भाई बोलता है कि इधर बंदा है, मैं ग्रेनेड कुक करता हूँ, और ग्रेनेड अंदर जाता है क्या देखना पड़ेगा, ओवर कुक्ड हो जाते शायद से, हाँ ओवर कुक्ड, बहुत ही अच्छा ग्रेनेड कर रहा हूँ आजकल पता नहीं क्यों। इधर मैं ADS देके देखता हूँ कि कोई आ जाए फायर में, और डार्क भाई ब्लाइंड घुस जाते पूरा। और इधर क्या चल रहा है गाइस, एक बंदा इधर बैठा है, एक बंदा घर के अंदर, डार्क भाई ने एक नॉक निकाला और मैं भी एक नॉक निकाल के आराम से वाइप आउट कर देते हैं। और फ्रॉस्ट भाई कहाँ है वो मुझे पता नहीं, और फ्रॉस्ट भाई मर चुके हैं, फ्रॉस्ट भाई कब मर गए मुझे दिखा नहीं, सॉरी फ्रॉस्ट भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो माफ़ कर देना, मैंने गौर नहीं किया, मैंने जस्ट गौर किया था वैलक भाई नॉक फिनिश हो चुके, मुझे दुख है। तो इधर पोचिंग की लगभग क्लियर हो गया, तो निकलते हैं पोचिंग की के बाहर और सीन कट करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो गाइज मेरा वॉइस थोड़ा चेंज लग रहा है, मैं बताता हूँ, इसे मार लेते हैं पहले, मुझे लगा ये रियल प्लेयर है इसलिए ड्रॉप शॉट दे के थोड़ा स्टाइल मार के मारा मैंने, बट ड्रॉप शॉट का कोई नीड नहीं था, सीधा खड़े होकर मार सकता था। और इधर एक प्लेयर कैंपिंग करता है, क्या TP भी लेते भाई, डैमेज ही ना दे पाते, बट कोई ना। हाँ हाँ मैं जो वॉइस के बारे में बोल रहा था, थोड़ा सा अगर चेंज लगे भाई, मैंने ये अपना जो हेडफोन नया ख़रीदा है
उसका वीडियो अगर नहीं देखा हो भाई, वीडियो जाके देख लो, बहुत ही मस्त हेडफोन है, अगर चाहो तो परचेज भी कर सकते हो। कॉस्मिक बाइट का H11 है, तो उसका माइक से मैं ये वाला ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बताना गाइस, पहला वाला ऑडियो अच्छा लग रहा था कि ये वाला ऑडियो, तो फिर उससे ही रिकॉर्ड करेंगे, कमेंट में बताना ज़रूर। तो इधर अपना 7 किल हो जाता है बातें करते करते, और एक टावर में जो था उसे भी मार देता हूँ मैं। तो ठीक है, अब निकलते हैं, ज़्यादा किल नहीं होगा शायद इधर मेरा, तो निकल जाते हैं गाइस। और इधर नहीं, और एक हैश, बट ये भी मिल गया मेरे को भाई। कितने बॉट आ रहे भाई, शायद से मैंने 2-3 मार दिए। तो गाइज इधर अपना फाइट चल रहा है, उधर 3 बंदे स्नाइपर, तीनों के पास शायद से स्नाइपर था, तीनों के पास ना हो तो भाई मिनिमम 2 के पास तो है ही है, लिख के दे सकता हूँ भाई। तो भाई उनके साथ फाइट चल रहा है, अपने में स्नाइपर कोई नहीं है, था वो है फ्रॉस्ट भाई, बट वो मर चुके हैं, अपना शहीदी दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अभी मेरे को जाना है और फाइट निकाल रहे हैं, और मैं उतना अच्छा स्प्रे में नहीं हूँ भाई, मैं क्लोज रेंज प्लेयर हूँ, एंट्री फैगर हूँ, मेरा उतना लॉन्ग रेंज स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा क्लोज रेंज है। और गाइस मैं उधर जाता हूँ थोड़ा एमओ उठाने के लिए, एमओ या M4 उठाने के लिए। हाँ डार्क भाई का बात सुनो, बोले कि वो M4 नहीं चलाते, ठीक है अपना अपना चॉइस होता है। मैं इधर 2-2 5 का गन उठा लेता हूँ, क्योंकि 5 का एमओ थोड़ा बहुत है मेरे पास, और SMG से 5 का एमओ मच बेटर होगा ना, इसलिए उठा लेते 5 का एमओ और ऊपर जाते हैं। कोशिश करते हैं कि नॉक या फिनिश कर पाऊँ मैं, बट होता नहीं अभी। अभी डार्क बाइक को रिवाइव देके आए, अभी हेल्थ मार रहे, देख लो भाई, पता नहीं क्यों इतना लेट करके हेल्थ मारते हैं डार्क बाइक। और इधर फिर से M4 से नॉक हो जाते हैं, पता नहीं कैसे, बहुत ही ख़राब लगता है। ये उनका सेकेंड टाइम नॉक हो गया, सेकेंड नहीं, पहले भी एक बार हुए थे, ये थर्ड टाइम नॉक है भाई। कितने बार नॉक होते हो भाई। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जोन इनके ऊपर से हटे, और मैं इनको स्प्रे मार के, मतलब कोशिश करके नॉक कर पाऊँ। और फिर से डार्क भाई नॉक हो जाते हैं, ये उनका 4th टाइम है, और बचने ना देंगे भाई, इतने गुस्सेल प्लेयर है ये लोग। तो यार ये लोग ओपन में आ रहे थे, मैंने एक को डैमेज दिया बहुत। और इधर मेरा एक टच प्रॉब्लम देखना, इतना ख़राब होता है, बहुत ही टच प्रॉब्लम होता है। 5 फिंगर प्लेयर हूँ, समझ ही सकते हो, पोको F1 में खेलता हूँ, तो उसका नॉच वाला कुछ सीन है। तो इधर मैं फर्स्ट नॉक निकालता हूँ थोड़ा डैमेज देकर, और मुझे इतना डर लग रहा था ना भाई, क्योंकि उनके पास स्नाइपर था। ये मैं 2 नॉक कर देता हूँ इजीली, और इसके बाद कोशिश करता हूँ कि फिनिश कर पाऊँ। ये देखो मेरा टच प्रॉब्लम देख रहे हो भाई, ऊपर हो रहा है, और मेरे टीममेट पूछ रहे हो क्या कर रहा है भाई, क्या, अरे भाई मेरा टच प्रॉब्लम है भाई, क्या कर सकते हैं। तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इस टच प्रॉब्लम का। ये देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो भाई। और फ्रॉस्ट भाई पूछ रहे कि क्या हो रहा है तेरे को, नशा फशा चढ़ गया है क्या। तो भाई नहीं चढ़ा है, बस टच प्रॉब्लम है। तो इधर मेरा 5 का एमओ वेस्ट हो जाता है। और एक कांड सुनो भाई, ये डार्क भाई ऐसे बंदे गाड़ी में चलते चलते, मतलब डोमिनेशन के लिए फायर देंगे, 1-2 फायर देते हैं बंदे, वो फुल स्प्रे मारते मारते आएंगे भाई। गोली का शॉर्टेज होता है, थोड़ा देख लो डार्क भाई, अगर वीडियो देख लो तो कुछ समझो, सीखो। तो इधर मैं पीक करके फटाक से अंदर आने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि समझ ही सकते हो स्नाइपर है, एक बार में खोपड़ी उड़ा देगा। और है मेरे पास Level 2, जो कि सह नहीं पाएगा भाई, डायरेक्ट लॉबी भेजेगा मेरे को। तो इधर 4x गिरा देता हूँ, क्योंकि औकात नहीं है मेरा 4x का, 4x का स्प्रे प्रैक्टिस नहीं करता, और वैसे भी प्रैक्टिस है भी नहीं। अभी गेम आया है, थोड़ा हाथ सेट होना पड़ेगा, और अच्छा गेम प्ले बनाएंगे भाई। ये भी उतना बुरा नहीं है भाई, बट उतने अच्छे लेवल का नहीं है भाई, ठीक है ना गाइस। गाइस अभी ये लोग स्मोक टोक करते हैं, अभी थोड़ा सीन काट के दिखाते हैं, बहुत लंबा है, वो लोग भी होल्ड करते हैं, मैं भी होल्ड करता हूँ, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते ना, मैं उनको पुश कर सकता हूँ ना वो मेरे को, क्योंकि वो 2 है, अगर पुश करने जाऊँगा TPP का पुश है, टफ होगा, बहुत ही चांस कम है कि मार पाऊँ, उनका चांस ज़्यादा है, तो मैं भी होल्ड करता हूँ। तो गाइस इधर एक बंदा वो छोटे से घर में क्लोज इन कर चुका है, इसको मैं कितना सारा ग्रेनेड मारता हूँ फिर भी मरता नहीं है गाइस, क्या कर सकते, ग्रेनेड ख़राब हो चुका है मेरा, मतलब ग्रेनेड नहीं खराब हुआ, जो नेडिंग करने का तरीका है वो मेरा ख़राब हो चुका है, अब क्या ही कर सकते भाई, बहुत दिन बाद खेल रहे हैं। तो इधर और एक मारने का कोशिश करते हैं, बट होता नहीं। इसके बाद मॉली भी फेंक देते हैं, चलो फेंकने का चीज़ है तो फेंक ही डालते हैं ब्रो। थोड़ा घर के अंदर घुस आने की कोशिश, बट घुसता है क्या पता नहीं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं ताकि ग्रेनेड ना आ जाए मेरे ऊपर। तो इधर मेरे को पता नहीं भाई, जोन आ चुका है और ये बंदे हिल देने वाले, और उधर उनका गाड़ी था, पर इनको चल के मेरे ऊपर क्लोज इन करना है। तो ओपन से आओगे तो खाओगे ना भाई हेडशॉट,
छोड़ेंगे उतने नहीं ना, इतने क्लोज में तो स्प्रे दे दूंगा मैं, इतना दूर भी नहीं है भाई, इतने में ना दे पाऊँ तो खेलना छोड़ देना चाहिए मुझे। और इधर मेरे को बंदा पुश कर रहा है ब्लाइंडली, और ये समझ रहा है मेरे को टीपी में घुस के मार देगा। मैं वो पोचिंग की वाला बंदा नहीं भाई कि मैं टीपीपी ना ले पाऊँ। और इधर मैं सोचता हूँ कि एक मॉली कर दूँ, बट नहीं भाई नहीं करते। और ये कुछ आ ही नहीं रहा भाई डायरेक्ट, अभी जब आएगा पूरा डायरेक्ट घुस जाएगा, पर अभी सोच क्यों रहा है। ये देखो क्या फ़ायदा भाई ऐसे पुश करके, अब मेरे नीचे, मैं क्या सोचा पता है कि मेरे नीचे बग गया वो लेके ना निकल जाए, फिर मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ही, क्योंकि थर्ड जोन बन चुका है और फोर्थ जोन अगर टच कर जाए तो मैं मर गया ब्रो। मुझे खेलना नहीं, मैं एग्जिट मार के नया गेम स्टार्ट कर लूँगा, ऐसा पूरा सियोरिटी है। तो गाइज अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सीन में, अभी नेक्स्ट वीडियो में नहीं नेक्स्ट सीन में मिलते हैं, अभी सीन कट कर देते हो थोड़ा। तो गाइज सक्सेसफुली जोन में घुस चुके हैं, और ये वाला कंपाउंड मैं सोचा कि इधर होल्ड कर लेते थोड़ा, शायद से जोन के बाहर है कोई ना हो। तो भाई इधर एक ऑलरेडी था स्क्वाड हाउस में, पता नहीं क्यों बैठे इधर। भाई जोन में जाओ भाई, इधर क्या कर रहे हो तुम लोग बैठे बैठे। भाई एक बंदा दूर से आ रहा है, उसे जीने तो दो भाई, दो पल का सांस लेने दो, फिर तो फाइट लेगा ना, उसे जोन से डैमेज लेके घुस रहा है। तो यार वो सब हटाते, अब ये बंदे मेरे को घेर रहे हैं। एक्चुअली मैं सोचता हूँ इधर एक बंदा होगा दो बंदा होगा, अरे नहीं भाई पूरे के पूरे तीन बंदे थे भाई, चार नहीं थे तीन बंदे थे। तो भाई इधर मैं थोड़ा टीपी भी लेता हूँ और सोचता हूँ कि इधर स्मोक कर दूँ ताकि लेफ्ट में थोड़ा एंगल बन जाए। उतने में ये बंदा घुस जाता है, फिर भी मार नहीं पाता, मैं ड्रॉप शॉट लेके मार देता हूँ, बट इनके बंदे मार देते भाई, और क्या ही कर सकते भाई। तो भाई यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई तीन बंदे जोन के बाहर क्या करो, जोन में जाओ बोलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वेट करो यार।